तो साइलेंट आप साइलेंट साइलेंट आप बैठ गए हैं यहाँ पे, शादी भी मन गई, होली भी मन गई, या पता नहीं कौन सी शादी, दीदी जीजा, अरे का है, अरे भाई साहब इनको दे जूता दे जूता दे जूता, जूता जूता मारे सालों को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक देश का अगर संवैधानिक सिस्टम ना होता ना तब तक तो पता ही नहीं क्या करते सर। दरअसल क्या है? इनके भैया जाके बैठ के पूरा कन्यादान करके आ जाते हैं। अब भैया भौजी का हमें पता नहीं, इनका ना कोई भैया है ना कोई भौजी है, सब टीआरपी का सिस्टम है। भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। आप भैया भौजी पे मत आया करिए, काहे काहे को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया को भी भौजी को भी, लेकिन सीमा मेरा स्टैंड ये क्लियर है, कौन मदद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इस स्टैंड से मेरा कोई संबंध नहीं है। महाराणा कह रहे हैं कि कहिए मत कर दीजिए नेताजी। महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते सीमा पहले भारत की जेल में जाएगी, क्योंकि 6 फर्जी पासपोर्ट उसके पास पाए गए हैं। मुझे लगता है कि वह आने वाले समय में हमारे देश के लिए खतरा हो सकती है, ऐसी महिला को बाहर रखना अच्छा नहीं होगा। इस महिला को तत्काल इलेक्शन कमीशन से भी मैं मांग करता हूं, या चुनाव भी प्रभावित करा सकती है, ठुमका लगाकर इसके सारे सोशल मीडिया के अकाउंट बंद किए जाएं। और मैं तो तमाम आपके दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि वह सब एक ट्रेंड चला दें, एक्स अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सीमा हटाओ, सोशल मीडिया से हटाओ। लोग कह रहे हैं कि पहले तो जो इनके भैया हैं उनको आप पार्टी में अभी तक क्यों रखे हुए हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर सीमा हैदर के समर्थक वहां पे भीड़ में पहुंच सकते हैं, तो क्या हमारे राजवर्धन परमार सिंह की जो महाराणा प्रताप की इतनी लंबी चौड़ी 25 लाख की सेना, वो नहीं पहुंच सकती है? नहीं नहीं पहुंच सकती है, पर मुझे वहाँ के SSP ने, वहाँ के कमिश्नर साहब ने, वहाँ के SHO ने धारा 144 के तहत मुझे पाबंद किया है कि आप इस इलाके में नहीं आ सकते। कारण? मेरे जाने से कह रहे हैं कि दंगा फैल सकता है, हमला हो सकता है, घटना घट सकती है। तो जिस दिन आप गए थे, जिस दिन आप वो हनुमान चालीसा बटवाने गए थे, तो उस दिन दंगा नहीं फैल रहा था? उस दिन परमिशन दे दिया हम लोगों ने? हाँ, उसकी परमिशन दी थी। वहाँ पर तकरीबन मेरे हिसाब से 50-60 पुलिस की ड्यूटी भी लगी थी। एक चिट्ठी लिखी है फिर? नहीं तो वो कहते समर्थन में आइए, कहते हैं कि सीमा के समर्थन में आइए। हाँ कहते हैं सीमा के समर्थन में आइए, कोई दिक्कत नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हाँ अगर विरोध में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ तो मामला भड़क सकता है, मेरा समाज के लोग हमला कर सकते हैं। तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं नेताजी, पुलिस मना ही कर दी, सारा कुछ तो खेला ही खत्म फिर।